गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट ग्रेड सिक्स, चैप्टर 11.1, डे 43। अब इसमें मैं आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बताई थी कि हम जैसे मैस्टिक में बना रहे हैं, एन बना रहे हैं, टी बना रहे हैं, तो कितने उसमें मैस्टिक ज़रूरत है और उसका फॉर्मूला क्या हमें मिल रहा है, रूल्स क्या मिल रहा है। जैसे वी ऑलरेडी नो दैट द रूल फॉर द पैटर्न ऑफ लेटर एल, सी एंड एफ, सम ऑफ द लेटर फ्रॉम क्यूज क्वेश्चन नंबर 1 गिव अस द सेम रूल एज द गिवन बाई एल, द रूल टू फाइंड द नंबर ऑफ मैस्टिक। अभी हमें नंबर ऑफ मैस्टिक फाइंड करेंगे सॉल्यूशन में, हम क्या करेंगे, द लेटर एल 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 में हमारे दो ही जरूरत पड़ रहे, तो 2n आ जाएंगे हमारे पास। द लेटर वी, वी में भी दो ही जरूरत है, तो ये भी 2n ही आएंगे। देन द लेटर टी, टी में भी हमें 2n की ज़रूरत है। देन लेटर सी हम करेंगे, सी में हमें 3 की ज़रूरत पड़ेगा, 3n। इसमें हमारे चेंज हो गया, 3n हो गए। देन लेटर यू, यू में देखो ये 3 आ जाएंगे हमारे पास, तो ये भी 3n आ गए। और लेटर एफ करेंगे, रूल हमारे एक मैस्टिक को एन लेके चलेंगे हम, तो जितने रूल ज़रूरत है हमारे, जितने मैस्टिक की ज़रूरत पड़ेंगे, एफ में 1, 2, 3, 4 आ जाएंगे हमारे पास, क्योंकि ये बड़ा लेना है हमें 4, तो ये आ जाएंगे 4n। वैसे ही करके हम क्या करेंगे, मैस्टिक ऐसे ही करके आपको इसको सॉल्व करने हैं। अभी जैसे ये आपको मैचस्टिक के बारे में बता रखा है, वैसे परेड में और दूसरे में रोज़ में आपको अलग अलग पिक्चर दिखाया जाएगा, उसमें एन इक्वल टू 1 इक्वल टू 5 ऐसे करके दिखाना है। थर्ड क्वेश्चन में आपके यही आएंगे, ये भी क्वेश्चन में आपके असाइनमेंट में दूंगी। थैंक यू।